नमस्कार, आज का टॉपिक है इज मैंगो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। क्या आम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है? इसका शॉर्ट आंसर है जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब मैं डायबिटीज़ पेशेंट से डील करता हूँ तो उनके डायबिटीज़ रिवर्सल में एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि उनको रोज़ एक बार पेट भर के मीठे फल खाने हैं। एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिश करती है। 15 दिसंबर 2017 को ये रिसर्च पब्लिश हुई थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इस रिसर्च पेपर को, ओरिजिनल रिसर्च को पढ़ सकते हैं। इस रिसर्च में पूरी दुनिया में हुए 18 ऐसे RCT को कलेक्ट किया गया, मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, जिसमें पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो डायबिटीज़ पेशेंट्स थे उनको रोज़ फ्रूट जूस पिलाया गया। और ऐसा कुछ दिन तक नहीं, कुछ हफ्तों तक, 6, 8, 10, 12 हफ्तों तक उनको फ्रूट जूस पिलाया गया। और इसका, इस रिसर्च का कंक्लूजन यही था कि फ्रूट जूस हैड नो इफेक्ट ऑन डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर रैंडम ब्लड ग्लूकोज या HbA1c, कोई भी असर नहीं पड़ता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, तो डॉक्टर आपको मीठे फल खाने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से हम डरने लग जाते हैं। और मैंने देखा है लोग 20-20 साल से आम को हाथ नहीं लगाते हैं, सूंघने से भी डरते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि शुगर का बहुत सारा फॉर्म्स होता है। आपके ब्लड में शुगर नहीं होता है, ग्लूकोज होता है। तो शुगर के फॉर्म्स में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ऐसे फॉर्म्स होते हैं। मेनली फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज की एक खास बात होती है कि वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता। इसको आप बाय एक्सपेरिमेंट अपने घर पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, मैंने पर्सनली खुद भी किया है, आप भी कर सकते हैं। करना ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपना ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोमीटर पर चेक करते होंगे, तो आपको अपने फिंगर को पियर्स करके एक स्लाइड पे या फिर किसी साफ बर्तन पे 3 ड्रॉप ब्लड 3 अलग अलग जगह पे रखना है। पहले वाले ड्रॉप ऑफ ब्लड में आपको कुछ मिक्स नहीं करना है, सीधा उसको ग्लूकोमीटर पे लगाना है। मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज आया 180, तो ये ट्रू ब्लड ग्लूकोज है क्योंकि उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। दूसरे वाले ड्रॉप ऑफ ब्लड में आप एक बूंद आम का रस मिला दीजिए और उसको मिक्स करके फिर ग्लूकोमीटर पे लगाइए, 180 से कम ही आएगा। हर बार ऐसा होता है, वो 179 आए या 170 आए, 180 से कम ही आएगा। तीसरा जो ब्लड का ड्रॉप है उसमें आप एक बूंद चीनी और पानी का घोल वो मिक्सचर मिलाइए और तब उसको मिक्स करके ग्लूकोमीटर पे लगाएंगे तो 400, 500, 600 एरर बता देगा ग्लूकोमीटर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आम का रस मिलाया था उसमें फ्रक्टोज था, वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है तो वो ब्लड के शुगर को बढ़ाएगा नहीं। इसको आप करके देख सकते हैं। अगर ये नहीं तो एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने साथ करके देख सकते हैं। मैंने हर डायबिटीज़ पेशेंट को ये करवाया है कि आप अपना सुबह सुबह फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, मान लीजिए वो आता है 200। अब आप 1 किलो आम खाएंगे, 1 किलो आम खा लीजिए और उसके बाद 2 घंटे के बाद अपना PP पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर चेक कीजिए, वो 200 से कम ही आएगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि आम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, फ्रक्टोज होता है उसमें, वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे जो बोलेंगे कि आम में ग्लूकोज नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन मेजरली उसमें फ्रक्टोज होता है और वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ा सकता। मैं एक स्पेशल केस में बताता हूँ। एक ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट मुझे मिले जिनकी बेटी डॉक्टर, उनका दामाद डॉक्टर, उनके भाई डॉक्टर और उनका खुद का मतलब अस्पताल है, लेकिन उनको डायबिटीज़ हुई। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने बोला सर आप ये जो 4 मीठे फल खासकर बोलते हैं ना, मना करते हैं कि चीकू, केला, आम और अंगूर, ये डॉक्टर मना कर देंगे। मैंने उनको बोला कि चीकू, केला, आम और अंगूर यही आपको खाना है। वो कहने लगे कि सर 20 साल हो गए मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, मुझे आम सूंघने तक नहीं देते हैं।
मैंने बोला सर इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना, आपको एक दिन में 1 किलो नहीं खाना है, आप एक काम करिए ब्लड शुगर चेक कीजिए फास्टिंग का, एक आम खाइए, 2 घंटे के बाद फिर से चेक कीजिए, अगर वो कम आया तो अगले दिन 1 किलो आम खाएंगे। और यही हुआ, उन्होंने यही किया। और इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने एक बार में 4 ग्लास शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस पिया और शुगर लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि शुगर केन इज़ होलसम फूड। मैं जो बोलता हूँ ना, अगर फ्रैगमेंटेड फूड नहीं है तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो आज कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अब तो गिनती में नहीं है, कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स थे, बाय डाइट डायबिटीज़ रिवर्स हुई, रोज़ मीठे फल खाते हैं, और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो रोज़ गन्ने का जूस भी पी रहे हैं। तो ये दीज आर इनफ एविडेंसेस, रिसर्च पेपर लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, ये इनफ एविडेंस है कि आप बेधड़क बेझिझक आम या कोई भी मीठे फल खा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, वो वही वाले फल को मना करेंगे जिस फल को खा के आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होने लगेगी, क्योंकि सच्चाई यही है, यथार्थ यही है कि अगर आप मीठे फल भर पेट एक बार रोज़ खाने लगेंगे तो चाहे और आप कुछ भी ना करें अपने डाइट में चेंज, डायबिटीज़ आपकी रिवर्स होने लगेगी। और इतना ही नहीं, जब वो कहते हैं ना कि किडनी का स्टोन हो गया तुमको, पालक मना है, टमाटर मना है, तो मैंने पर्सनली पालक और टमाटर का जूस रोज़ पिला के किडनी स्टोन को डिसॉल्व भी करवाया है। अगर आप YouTube पे या Google पे सर्च करेंगे कि आम खाना डायबिटिक्स के लिए अच्छा है कि नहीं है, तो आपको बहुत सारे ओपिनियन मिलेंगे। और कुछ लोग अब बातें करने लग गए हैं कि डायबिटीज़ वालों के लिए आम खाना अच्छा है, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों कुछ कंडीशन लगा देते हैं। हाँ, अगर आप आम खा रहे हैं तो आप एक आम से ज़्यादा मत खाइए, और अगर आम खा रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, चावल कम खाइए, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, दैट इज़ 100% ट्रू। और 3 बूंद ब्लड वाला और 1 किलो आम खा के शुगर टेस्ट वाला, वो आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो आम खाना डायबिटिक्स के लिए, चाहे वो इंसुलिन ले रहा हो, मेटफॉर्मिन ले रहा हो, या फिर अभी ऑन द वर्ज ऑफ मेडिकेशन हो, वो बिल्कुल बेधड़क बेझिझक जितना चाहे आम खा सकता है। बस एक बात ध्यान में रखना है कि अति सर्वत्र वर्जित। अति कब हो जाएगी? जब पूरे दिन में आप 5 किलो आम खाएंगे और कुछ खाएंगे ही नहीं, वो अति नहीं करनी है। लेकिन 1 किलो आम या 1 किलो चीकू या 1 किलो कोई भी मीठा फल, केला, अंगूर आप खा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई और आप इस सेफ मेथड को ट्राई करेंगे। अगर आपने आम बहुत सालों से नहीं खाया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई शुगर नहीं बढ़ेगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एन्जॉय लाइफ। नमस्कार।